स्टूडेंट्स देखो, हम लोगों को अभी फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है। इसमें बहुत सारा पार्ट कट कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, खाली 2.5.6 और 5.13 उसी को आपको पढ़ना है। लेकिन मार्क्स है 4 विदाउट ऑप्शन एंड 7 विद ऑप्शन, तो आपको 7 मार्क का इस पर लिखने के लिए चांस है और कम पढ़ना है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो 5.6 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसके ऊपर पहले वाले थ्योरीज हमको सिलेबस में नहीं रखा है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द म्यूटेशन थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी मेनली। इसके साथ साथ कुछ और थ्योरीज के भी कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पार्ट ये दो थ्योरीज ज्यादा एक्सेप्ट करने लायक है, इनमें से लिए हुए हैं, और जो पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन वाले थे वो पार्ट्स यहाँ पर छोड़ दिए गए। और इस तरह से ये दो तीन थ्योरीज का, इवोल्यूशन थ्योरीज का कॉम्बिनेशन करके नई थ्योरी बना गए, इसलिए उसको नाम दिया गया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके लिए ये इवोल्यूशन थ्योरी कोई भी स्टडी करते वक्त कितने प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो डिसिप्लिन बोले हैं यहाँ पे, जिन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन इनके नाम है, जेनेटिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स एंड पैलेंटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो जेनेटिक्स, आप जेनेटिक जीन्स क्रोमोसोम पढ़े हो उनके बेस पर पढ़ा जाता है क्लासिफिकेशन। इकोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है और उसके सराउंडिंग, इसके साथ जैसे पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, जमीन पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म, पहाड़ी पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म, इस तरह से वो रहता है परिस्थिति की, इकोसिस्टम आपने पढ़ा है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल शरीर के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके में डिफरेंस और सिमिलरिटीज, इसके बेस पर भी कुछ इवोल्यूशनरी स्टडी की जाती है। ज्योग्राफिकल, अब हम ले इकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल बोले तो इन जनरल, और इकोलॉजिकल मतलब उनके रहने की जगह, निवास स्थान बोलते हैं, इकोसिस्टम्स अलग अलग बताया आप लोगों को, करें एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, लैंड इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल बोले तो सभी आ गए, ओके। देन पैलेंटोलॉजिकल मीन्स फॉसिल्स, फॉसिल्स के बेस पर जो इवोल्यूशनरी स्टडी की जाती है। तो फॉसिल के बेस पर कैसे, फॉसिल क्या होता है, पास्ट ऑर्गेनिजम्स जो हो चुके हैं, अभी जिंदा नहीं है, जो हो चुके हैं अभी वो खत्म हो चुके, लेकिन वो उनके पार्ट्स हमको फॉसिल्स बताते हैं कि इनसे किसका इवोल्यूशन हुआ है, ये किसके रिश्तेदार है। जैसे डायनासोर, बराबर है, डायनासोर की हड्डियाँ मिली, दांत मिले, उनके फुटप्रिंट्स मिले, वैसे और भी ऑर्गेनिजम्स के, उससे ये पता चलता है कि पुराने जमाने में जो ऑर्गेनिजम्स थे उस समय का सिस्टम कैसा था, उस समय का क्लाइमेट कैसा था, उस समय का एनवायरमेंट कैसा था, और उनसे फिर किस तरह के ऑर्गेनिज्म नए पैदा हुए, मतलब इवोल्यूशन किस ट्रेंड में, किस डायरेक्शन में हुआ, तो इस तरह से यूज किया जाता है। उसके इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए हमको कुछ टर्म्स मालूम होना जरूरी है, उसके बेस पर स्टडी की जाती है। मेंडेलियन पॉपुलेशन, मेंडल एक साइंटिस्ट है जो मेंडल ने इवोल्यूशन के बारे में भी कुछ दिया है, तो उन्होंने पॉपुलेशन का जो डेफिनेशन किया है, दैट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरब्रीडिंग, जिनमें सेक्स एक्टिविटी हो सकती है और उनसे नए बच्चे पैदा हो सकते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग ग्रुप, एंड द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जिन पुल, तो इस तरह के जो पॉपुलेशन में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स से सभी टाइप के जीन्स की टोटल सम टोटल ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जीन पुल। माइग्रेशन मीन्स स्थलांतर, एक एरिया से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो खाली हम लोग यहाँ से वहां तक ब्लैकबोर्ड में जा रहे हो स्थलांतर नहीं होता, एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन, उसको स्थलांतर उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या करता है, अल्टर जीन पुल, ये जो जीन पुल है उसको अल्टर करता है भी बदलता है, चेंज करता है। क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ से अगर परदेश चले गए और परदेश में ही बस गए, उधर ही शादी कर ली, तो क्या होगा, इधर के जीन्स वहाँ पे ट्रांसफर हो गए, वहाँ के लोगों के साथ शादी करने के बाद उन लोगों के कॉम्बिनेशन जीन के आ गए, तो ऑफकोर्स जीन पूल बदल गया, क्योंकि इंडियन जीन्स कहाँ चले गए, वो देश में चले गए, तो वहाँ देश का जीन पूल बदल गया। इस तरह से जीन पूल बदलता है माइग्रेशन की वजह से। ट्रेड, जैसे देखो हाइट, ये हो गया कैरेक्टर, लेकिन हम छोटी हाइट, मीडियम हाइट, लंबी हाइट बोल
बोलते हैं ना, तो हाइट के बारे में ये जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर बताते हैं उसको बोलते हैं ट्रेट, समझे? हाइट हो गई कैरेक्टर, और हाइट के ये अलग अलग अल्टरनेटिव उसको बोलेंगे ट्रेट। तो हर ट्रेट के लिए किसी भी सजीव में दो जीन्स होते हैं, मतलब पेयर ऑफ जीन्स, और ये पेयर ऑफ जीन अलग अलग तरह की हो सकती है, सेम जीन की भी हो सकती है। तो देखो ये जो अल्टरनेटिव जीन्स होते हैं पेयर में उनको बोलते हैं एलील्स। मींस हमेशा एक ट्रेट को बताने के लिए, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एलील्स होते हैं? टू एलील्स। एग्जांपल ये मेंडल ने बताए हुए डेरिवेशन आप लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल। जैसे देखो टॉल हाइट के लिए हमने कैपिटल लिया है, और स्मॉल हाइट मींस ड्वार्फ, शॉर्ट हाइट के लिए स्मॉल टी लिया है। तो अगर कैपिटल टी मतलब टॉलनेस बताने वाले जीन की जोड़ी होगी तो यह ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? टॉल ही होगा। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट दोनों बताने वाले जीन से, तो इनमें जो इफेक्टिव होगा वो कैरेक्टर आएगा, समझ रहे? जो इफेक्टिव नहीं होगा उसके कैरेक्टर नहीं आएंगे, या फिर दोनों सेम इफेक्ट होंगे वाले होंगे तो दोनों के बीच वाली हाइट होगी, है ना? समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे देखो स्मॉल टी दोनों शॉर्ट हाइट के बारे में बताते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट हाइट ही आएगी, सवाल ही नहीं उठता बीच वाली या लंबी होने का, समझ रहे? तो इस तरह से हमेशा एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो जीन्स होते हैं। जीन्स के ही वजह से हमारे कैरेक्टर दिखते हैं अलग अलग, वो बाहर से नहीं दिखते लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स में जीन्स है, वो हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। जीन फ्रीक्वेंसी देखो, अगर कोई भी जीन बार 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 मतलब आप लोग देखो किसी पॉपुलेशन में किसी फैमिली में एक कलर, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक कलर के लोग ज्यादा है, एक आधा ही गोरा निकलता है या एक आधा सांवला निकलता है, तो उनमें ब्लैक कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किसी में गोरी गोरी पूरी फैमिली है तो एक आधा ही सांवला या काला निकलता है, मतलब उनमें उस टाइप का जीन की फ्रीक्वेंसी कम है। इस तरह से पॉपुलेशन में जीन पूल का रेशो और टोटल एलील्स इनके साथ प्रोपोर्शन निकाला जाता है। तो वो जीन के लिए लोकस मींस क्रोमोसोम में जिस पर, जैसे यहाँ पे हाइट बता जा रहा क्रोमोसोम में, दूसरे क्रोमोसोम भी यही पे, यहाँ पे बाल का कलर बता रहा तो यहाँ भी बाल का कलर, यहाँ स्किन का कलर तो इधर भी स्किन जोड़ी होती है क्रोमोसोम की, तो दोनों क्रोमोसोम में एक टाइप का कैरेक्टर बताने के लिए, एक ट्रेट का कैरेक्टर बताने के लिए या एक कैरेक्टर का बताने के लिए जीन्स ये हमेशा सेम लोकस पर सेम लेवल पे होते हैं, उसको बोलते हैं लोकस। तो ये सेम लेवल के या सेम लोकस पे जितने भी एलील्स आते हैं पूरे जीन पूल में उनका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर अपियर होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है? आठ आगे देखो, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने के लिए पूरे अभी हम लोगों ने कुछ शब्द पढ़ लिए, तो फाइव फैक्टर्स कंसीडर किए हैं और थ्री कंसेप्ट्स, ये फाइव फैक्टर को तीन कंसेप्ट में डिवाइड। तो ये तीन कंसेप्ट कौन से? जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। इसका डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन मींस जीन के वजह से अलग अलग कैरेक्टर आना, तो जेनेटिक वेरिएशन। जैसे देखो आप एक फैमिली में किसी के मम्मी बहुत गोरी है, पापा बहुत डार्क है, लेकिन बच्चे कुछ गोरे हुए कुछ सांवले हुए कुछ काले हुए, होता है ना ऐसे, तो ये क्या हो गया? वेरिएशन। अब देखो कि मम्मी गोरी है पापा डार्क है, तो सांवला कोई नहीं है दोनों में, फिर भी कुछ बच्चे सांवले हुए, मतलब इन दोनों का क्या हुआ? बीच वाला कैरेक्टर आ गया, तो फिर पेरेंट्स से एकदम अलग सांवला कैरेक्टर, इनके पेरेंट्स से वेरिएशन हो गया, बराबर है? तो इस तरह से जीन्स के वजह से वेरिएशन आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, अगर जो भी कैरेक्टर जिंदा रहने के लिए चेंज हुए कंडीशन में, चेंज हुए एनवायरनमेंट में, चेंज हुए परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए मदद करता है, ऐसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा तंदुरुस्त करके जिंदा रहेगा उसको जिंदा रहने के लिए नेचर सिलेक्ट करता है, और जो तंदुरुस्त तो नहीं रहते तो धीरे धीरे करके उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उनके बच्चे कम नहीं होंगे, उनका प्रोडक्शन कम। अभी फैमिली प्लानिंग की वजह से तो सब चेंज हो गए, लेकिन हम लोग बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोलेंगे क्योंकि उनका फैमिली प्लानिंग नहीं करते हम लोग जंगल में, राइट? तो प्लांट्स का भी फैमिली प्लानिंग नहीं करते,
तो कोई भी स्वर्गनियम जो गुड कैरेक्टर के साथ है, गुड वेरिएशन के साथ है, उनको नेचर सिलेक्ट करता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, सर्वाइवल का चांसेस बढ़ता है। लेकिन जो बच्चे जो कमजोर पैदा होते हैं, वो खुद ही बीमार रहते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होता है, तो अपने आप ही उनका नष्ट होने का चांस है, धीरे धीरे उनकी फ्रिक्वेंसी कम होते जाती है, क्योंकि उनको नेचर सिलेक्ट नहीं करता। जो गुड एडेप्टेशन बदलते परिस्थिति में खुद में नहीं ला सकता, उसको नेचर सिलेक्ट नहीं करता, वो इलिमिनेट हो जाते हैं कुछ जनरेशन के बाद। आइसोलेशन, आइसोलेशन ये मतलब आपको कोरोना की वजह से बहुत से अच्छे समझे, बाकी लोगों से अलग कर होना, बराबर है, कुछ लोगों को उनमें अलग अलग करना, मतलब आइसोलेशन। ये हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएशन किस वजह से होते हैं, कॉज्ड बाय मतलब रीजंस, कॉजेस मींस रीजंस, रीजंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, दीज फाइव रीजंस, जीन म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्रोमोसोमल एबरेशंस। यहाँ पे जगह नहीं पूर्ति करते हैं, दो नीचे और ऊपर तीन नरे, लेकिन देखो इसके ये पांच प्रकार रीजन है, कॉजेस कितने हैं जेनेटिक वेरिएशन के, पांच, पांच में ये पांच, उनको मैंने जगह नहीं होने के जो नीचे डाले, इसका मतलब ये अलग है, ऐसा नहीं समझना, ये पांचों एक ही लेवल के हैं, ध्यान में आ रहा है? यस, दीज आर द रीजंस और कॉजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। थैंक यू।